जी तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 2 निकालिए। सफ़ा नंबर 2 पर सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, नज़्म में से 10 चीज़ों के नाम लिखें जिनको खुदा ने बनाया है, मसलन सूरज, सितारे वगैरह। यहाँ पर ये बॉक्स बने हुए हैं, आपने इनके अंदर ये लिखना है। सवाल नंबर 5, नज़्म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें, यानी चश्मे, पहाड़ और वादियाँ, इस तरह से आपने ये मिसरे मुकम्मल करने हैं। अब आइए सफ़ा नंबर 3 की तरफ। सफ़ा नंबर 3 पर सवाल नंबर 6, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, तो हम आवाज़ अल्फाज दिए गए हैं जैसे आसमां, कहकशां। नज़्म पढ़कर मज़ीद हम आवाज़ अल्फाज लिखें, तो आपने इन बॉक्सेस में हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। दर्द ज़ेल अल्फाज के उलट लिखें। सवाल नंबर 7 है, मसलन ठंडी, उलट का मतलब होता है कि उस चीज़ के अपोजिट हमने लिखना है, यानी ठंडी गरम, जिसे हम मुतजाद भी कहते हैं। फूल कांटा, इस तरह से आपने ये सारे करने हैं। और सवाल नंबर 8 है, दर्ज ज़ेल वाहिद जमा को आपस में मिलाएं, मसलन सदा, सदाएं। आपने बाकी अल्फाज को भी इसी तरह मिलाना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है जो आपने अपनी किताब में करना है। अल्लाह हाफिज़।